जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री उड़िया बाबा आश्रम में पूज्य संतोष बहन जी धोबी गली वाले मकान में और अधिक नहीं रह पाई। उन्हीं दिनों पंजाब निवासी बनारसी भाई से इनका परिचय हुआ। बनारसी भाई की गोपीनाथ बाजार में कपड़े की दुकान थी और उनका घर भी यहीं था। इनकी व इनकी पत्नी की पूज्य संतोष बहन जी के प्रति अत्यधिक निष्ठा थी, सो सेवा करने के लोभ से ये इन्हें अपने घर ले आए। पूज्य बहन जी तो नाम मात्र को ही घर पर रहती। श्री बांके जी के संकीर्तन और महाराज श्री के सत्संग की अभिरुचि के साथ साथ पूज्य संतोष बहन जी को उड़िया बाबा के आश्रम में हो रही रासलीला प्राण प्रिय थी। सिद्ध संत उड़िया बाबा व संकीर्तन सम्राट हरि बाबा की उपस्थिति से आश्रम का वातावरण बहुत ही दिव्य और रसिकों के मनोरूप था। पूज्य संतोष बहन जी सरला जी का हाथ थामे समय से बहुत पहले ही गोपीनाथ बाजार से पैदल उड़िया बाबा के आश्रम में रास देखने पहुंच जाती थी। हर गोविंद जी रास से आधा घंटा पहले ही आ जाते थे और पदगान शुरू कर देते थे। ऊपर श्री हरि बाबा अपने कक्ष में बैठे पदगान सुनते रहते थे और नीचे पांडाल में मात्र ये दोनों श्रोता बहनें उस सरस आनंदमय वातावरण में डूबी भाव विभोर सी बैठी रहती। रास में तो रस बरसता ही था, पर रास के पूर्व के इस आधे घंटे की रसमग्नता के लिए तो शब्द ही नहीं है। अपनी उस भाव स्थिति में इन्हें बाजार के कोलाहल भरे वातावरण को छोड़ रेल की पटरी के साथ साथ एकांतिक नीरव पथ से लंबी दूरी तय करके आना ज़्यादा रुचिकर लगता था और इस तरह वे उस भावभीनी दशा में ही घर पहुंच जाती। श्री गौरांग दास बाबा से मिलन। रास से आ झटपट प्रसाद पा वे फिर इतनी धूप में गोपीनाथ बाजार से रमण रीति गौरांग दास बाबा की कुटिया में आ जाती। शाम को पूज्य बाबा की कुटिया में संतों की संगोष्ठी होती और उस सत्संग में पूज्य बहन जी ठाकुर चर्चा की प्यास की अद्भुत झलक मिलती। सभी असुविधाओं कष्टों से अविचलित सरला जी को संग लिए प्रतिदिन नियम से ये गौरांग दास बाबा के यहाँ पहुँच जाती थी। एक बार गौरांग दास बाबा के बारे में गदगद कंठ से पूज्य बहन जी ने बताया था। गौरांग दास बाबा भक्त शिरोमणि थे। महान भक्त होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे कथावाचक भी थे। निर्झरवत अबाध गति से विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति करते थे। उस समय उनकी देह में अश्रु पुलक कंप आदि सात्विक भाव स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होते। ऐसा लगता मानो वे भाव समाधि में डूब कथा कर रहे हों। श्रोतागण उस वक्त तन्मय हो उस अनिर्वचनीय भाव मुद्रा में निमग्न होते थे। ये बताते बताते मानो वे उस कथा संगोष्ठी में ही सम्मिलित हो गई थी। उन्हीं स्मृतियों में डूबी वे गौरांग दास बाबा के जीवन की अनेकों बातें सुना गईं। शरीर में वस्त्रों की जगह ब्रज रज लपेटने वाले, कंधे पर गूदड़ी और हाथ में करवा लिए वैराग्य मूर्ति गौरांग दास बाबा के प्रति पूज्य संतोष बहन जी की अगाध श्रद्धा थी। वे भी इन पंजाबी बहनों से बहुत ही स्नेह करते थे। बाबा नाम पर बहुत ही जोर देते थे। पूज्य बहन जी कहती थीं, उन जैसा नाम का महात्म वृंदावन में और किसी से नहीं सुना नाम भाव की हिलोरें प्रभु दर्शन दिला देती हैं। वे कहते थे, मुख में नाम आर्त प्राण और हृदय प्रार्थी हो तो नाम की सरसता प्रभु को एकदम समक्ष खींच लाती है। नाम भाव की हिलोरें
प्रभु दर्शन दिला देती हैं। श्री रामदास बाबा जी से मिलन। सन 1951 के नवंबर माह की बात है। पूज्य संतोष जी को सूचना मिली गौरांग दास बाबा के गुरु महाराज श्री रामदास बाबा वृंदावन पधार रहे हैं। श्री निवासाचार्य प्रभु के सूचक कीर्तन और अक्रूर घाट पर गौर आगमन उत्सव में शामिल होंगे। ये संदेश सुनते ही श्री सरला जी व पूज्य संतोष बहन जी संत दर्शन के लिए अत्यधिक अधीर हो उठी। रामदास बाबा के साथ समाज बाड़ी कलकत्ता से 250 के लगभग विरक्त साधु भी आए थे। प्रभु निवासाचार्य जी की स्थली तो इनके घर के एकदम पास ही थी, पर अगले दिन तक प्रतीक्षा का धैर्य कहाँ से लाती। उसी दिन शाम को पूज्या बहन जी सरला जी के साथ गौरांग दास बाबा के आश्रम पहुँच गईं। रामदास बाबा के दर्शन की अत्यधिक लालसा थी, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें प्रणाम कर पाना संभव नहीं हो सका। अगले दिन सुबह सुबह ही ठाकुर सेवा संपन्न कर पूज्य संतोष जी सरला जी का हाथ थामे निवासाचार्य प्रभु की समाधि स्थल पर पहुंच गई। आह, कैसा भक्तिमय वातावरण था। इतनी बड़ी संख्या में वैरागी भक्तों की उपस्थिति से पूरी स्थली विराग में हो ही हो रही उठी थी। निवासाचार्य प्रभु के छोटे से प्रांगण में भीड़ समा नहीं पा रही थी। सड़क पर ही नहीं, गोपेश्वर महादेव के चौराहे तक श्वेत वस्त्रों में लिपटे, माथे पर तिलक और हाथों में माला झोली लिए विरक्त साधु खड़े थे। पूज्या बहन जी उन्हें देख भाव विभोर होती जा रही थी। तभी उनकी दृष्टि भीड़ में घिरे रामदास बाबा की ओर गई। इतनी दूर से दर्शन हुए कि ये प्रणाम न कर पाए, इससे मन और भी व्याकुल हो उठा। इसी आकुल व्याकुलता में अगले दिन सुबह ही फिर चल पड़ी रमण रेति गौरांग दास बाबा के आश्रम की ओर। आज गौरांग दास बाबा की स्नेहिल कृपा से परम पूज्य रामदास बाबा को पास से देखने प्रणाम करने का सुअवसर मिल गया। श्वेत अल्प से वस्त्र, गले में फूलमाला, माथे पर लंबा तिलक, नासिका के अग्रभाग को स्पर्श सा करता, बाजुओं में चंदन, दाहिने हाथ में माला झोली, बहुत ही भव्य वपू था। भूमि पर चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। पूरे सम्मान से थोड़ा झुककर राह बनाती पूज्य संतोष जी बाबा के एकदम समक्ष पहुंच गईं। पूरी श्रद्धा के साथ भूमि पर मस्तक टिकाकर प्रणाम किया। सरला जी भी साथ ही थी। भूमि पर से शीश उठाकर जो बाबा को देखा तो पूज्य संतोष बहन जी भाव विभोर हो गईं। बाबा के अध खुले नैन उनके अंतर जगत में डूबी स्थिति के परिचायक थे। कक्ष की नीरवता और वहां बैठे लोगों की चुप्पी का रहस्य अब इनकी समझ में आया। बाबा के नैनों से निरंतर अश्रुधारा बहकर कपोलों को रंजित कर रही थी। पिचकारी की तरह बहते ये अश्रु देख ये अवाक रह गई। इससे पहले पूज्या बहन जी ने ऐसी अश्रुधारा भाव दशा में मुख से निकलते फेन, नासिका से झरते श्लेम के ऐसे प्रवाह को कदाचित ही देखा हो। अचंभित सी रह गई वे। पूरे वृंदावन में पूर्णिमा के दिन रामदास बाबा के नगर भ्रमण में कीर्तन की खूब धूम थी। कीर्तन केशी घाट से शुरू होना था। ये सरला जी का हाथ थामे दोपहर 2 बजे से ही केशी घाट की सीढ़ियों पर आ विराजी। ठीक 4 बजे कीर्तन ध्वनि और खोल करताल से यमुना पुलिन गूंज उठा। बाबा के मस्तक पर चंदन लगाकर फूल माला पहनाई गई और नगर भ्रमण का उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके आगे रामदास बाबा चल रहे थे। उनके आसपास दो बाबा जी गौर निताई के बड़े बड़े चित्रपट लिए चल रहे थे। बाबा ने मधुर स्वर में कीर्तन आरंभ किया और शीघ्र ही सजल नेत्र और कंठ गदगद हो गया। सभी सात्विक भाव भूषणों से युक्त बाबा की वह अद्भुत छवि
पूज्या बहन जी इस दुर्लभ अप्राकृत राज्य में डूबे बाबा के दर्शन कर खुद भी बेसुधी की स्थिति में आ गईं। कीर्तन खूब जोर शोर से हो रहा था, कुछ लोग रुदन भी कर रहे थे। ऐसा ही लग रहा था मानो आज ब्रज वीथियों में महाप्रभु की साक्षात उपस्थिति हो गई हो। पूज्या बहन जी तो मात्र दर्शन प्रणाम करने आई थी, पर अनजाने ही मंत्र मुग्ध सी सरला जी को साथ लिए सबके पीछे पीछे चलती रहीं। कीर्तन गोपीनाथ बाजार से गोपेश्वर महादेव, रंगनाथ जी के मंदिर, अनाज मंडी होते हुए वनखंडी और सेवा कुंज की ओर बढ़ने लगा। इमली तल्ला पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो गया। तब इन्हें घर की सुधी आई। दोनों उसी मस्ती में मत्त घर पहुँच भावमग्न सी लेट गईं। आज भिक्षा की तो सुधी ही किसे थी। आहा, मन प्राण को संतृप्त करता उस दिन का वह नगर कीर्तन। उसी आनंद में डूबी पूज्या बहन जी फिर गौरांगदास बाबा के यहाँ पहुँच गई। संत दर्शन की अतुलनीय त्वरा, सत्संग की अभूतपूर्व प्यास, ये सब प्रयास करने पर नहीं आते। हरि की अहेतु की कृपा ही अंतर में ऐसी पिपासा जगा सकती है। आज रामदास बाबा अपेक्षाकृत काफ़ी सजग मिले। गौरांगदास बाबा ने अपनी लाडली लाली का बाबा से परिचय करवाया। इनके प्रणाम करने पर वे बोले, प्राण भर कर नाम करो, प्राण भर कर नाम जपो, नाम प्रेम में मन को डुबो दो, स्मरण रखो, नामेर रुचि, जीवेर दया और वैष्णव सेवा। और भी चर्चा हुई। पूज्या संतोष बहन जी का जीवन तो पहले से ही इन तीनों चीज़ों से ओतप्रोत था, और अब बाबा के मुख से सुनकर तो ये ब्रह्म वाक्य सा उन्होंने जीवन में आत्मसात ही कर लिया। अस्तु, श्री प्रियाशरण बाबा से भेंट। पूज्या संतोष बहन जी के लिए वैष्णव संघ मूल मंत्र सा ही बन गया था। भक्त पद रज लोलुप पूज्या बहन जी लोभी भ्रमर की भांति ब्रज धाम के सभी संतों के चरण कमलों का पराग संचित करके भी अतृप्त सी दिन रात ठाकुर को पुकारती रहती। गौरांगदास बाबा के यहाँ ही उन्हें प्रियाशरण बाबा के दर्शन हुए। रामानंदी वैष्णव प्रियाशरण बाबा बिहार के बक्सर प्रांत के थे। एक बार छुट्टियों में वृंदावन आए तो पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा के आकर्षण से धाम से इस तरह जुड़ गए कि फिर बाहर कहीं जा ही नहीं पाए। इनकी श्रीमद् भागवत जी पर अगाध निष्ठा थी। पंडित बाबा का इतने दिन संग किया था सो गौड़ीय साहित्य पर अच्छी पकड़ थी ही। टटिया स्थान के भगवान दास बाबा के संग से महावाणी के पाठ में भी रुचि उत्पन्न कर दी थी। ये अद्वितीय कथावाचक थे। गौरांगदास बाबा की तरह प्रियाशरण बाबा का भी पूज्या संतोष बहन जी व सरला जी पर सहज वात्सल्य था। ये इन पंजाबी बहनों की कृष्ण चर्चा की त्वरा से मुग्ध थे। पूज्या संतोष बहन जी को समय असमय का तो ध्यान ही न रहता था। सरला जी का हाथ थामे चल पड़ती बिहारी जी के बगीचे की ओर। बाबा नल के पास बैठे दातुन करते करते भी कितने ही प्रसंग सुना जाते, और ये दोनों थोड़ी दूरी पर बैठी तन्मयता में उनकी बातें सुनती रहती। अगाध ज्ञान के भंडार थे बाबा, अनेकों प्रसंग सरस जीवनियां कुछ ही समय में सुना जाते, और ये आध्यात्मिक चर्चा की लोभी मुग्ध सी बाबा के सामने बैठी रहती। प्रियाशरण बाबा राधा नाम धाम इष्ट निष्ठा के अनन्य दृढ़ व्रति ब्रज के स्तंभ स्वरूप थे। नाम के प्रति उनकी निष्ठा एक ही वाक्य से उजागर हो जाती। जब वे कहते, मंत्र से कामना सिद्ध होती है पर नाम से कामनाओं का नाश होता है, प्रभु प्रेम मिलता है, ऐसी कितनी ही सार गर्भित सिद्धांत चर्चाओं के साक्षी हैं ये बिहारी जी की बगीची। बाद में प्रियाशरण बाबा बरसाने अधिक रहने लगे थे, पर जब भी वे वृंदावन आते पता चलते ही सरला जी को लिए ये तुरंत ही बाबा के दर्शन को दौड़ पड़ती। बाबा वृंदावन आने पर प्रायः बिहारी जी के पीछे
अकोला वाली धर्मशाला में रहते थे। पूज्या बहन जी खुद तो जाती ही, श्री उषा बहन जी वह उनके परिकर की सभी बहनों को भी दर्शनार्थ अवश्य ले जाती। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री उड़िया बाबा आश्रम में पूज्य संतोष बहन जी धोबी गली वाले मकान में और अधिक नहीं रह पाई। उन्हीं दिनों पंजाब निवासी बनारसी भाई से इनका परिचय हुआ। बनारसी